মণিপুরে সাম্প্রতিক অশান্তির ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সয়ের নেতৃত্বে রাজ্যে আয়োজিত হয় উচ্চ পর্যায়ের এক পর্যালোচনা বৈঠক। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্য সচিব, রাজ্যের পুলিশের মহানির্দেশক এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সচিবগণ। মণিপুরের রিমস এবং সেন্ট্রাল এগ্রিকালচার বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত ত্রিপুরা রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের বর্তমান অবস্থা নিয়ে বিস্তারিত খোঁজ খবর নেন মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠকে উপস্থিত রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক এবং সিআরপিএফ এর তরফ থেকে জানানো হয়, মণিপুরের বর্তমান পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিকের দিকে। এর পাশাপাশি রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের জন্য সমস্ত ধরনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকদের সাথে নিরন্তর যোগাযোগ রেখে চলছে রাজ্য সরকারের আপদকালীন বিভাগ। মণিপুর সরকারের সাথে নিজে যোগাযোগ করছেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা। শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই ব্যাপারে বিস্তারিত জানান। से मैं कोशिश कर रहा हूँ, सीएम साहब को मैंने, मणिपुर का सीएम को मैंने फ़ोन किया था, उठाया नहीं, शायद बिज़ी रहेंगे, बिज़ी होंगे। फिर रात में भी कोशिश किया, सवेरे भी कोशिश किया मैंने, लेकिन हमारा जो सीएस साहब है हमारा, उसके बाद डीजी साहब को मैंने बता दिया, वहाँ अधिकारी से बात करें। और वहाँ जो हमारा स्टूडेंट्स है, करीब करीब 150 है, मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज और एग्रीकल्चर, इस तरह। और 24/7 एक हेल्पलाइन भी खुले, मैं खुद भी वहाँ, हमारा एक त्रिपुरा का ही एक डॉक्टर है वहाँ, तो वहाँ फैकल्टी है, उनसे मैंने बात किया और उन्होंने सब, मैंने कहा सब उनका नंबर दो, तो वो भी कलेक्ट करके उस स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स यूनियन जो है हमारा त्रिपुरा का, ये इन लोगों का नाम मुझे बताया गया है। और मैं इन लोगों के साथ बात भी कर रहा हूँ, कैसे क्या है, क्या सिचुएशन है। तो लेकिन ये लोग अभी CRPF के थ्रू जो खबर मिला है, हमारा डीजी साहब ने कहा इन लोग वहाँ पर हॉस्टल में ही है और सेफ में है। तो आज सवेरे देखेंगे शूट एट साइट, कल रात भर उन्होंने कहा, जो रात भर बोल दिया, रात में वो शूट एट साइट था, दिन में हो सकता है कम हो, तो उस हिसाब से उनको सेफ साइट में ले आएंगे और उनको नज़रदारी उनके पास है। तो ये जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए, और लेकिन हमारा तरफ से उन्होंने कहा कि हम जल्दीबाजी नहीं करेंगे, और उनको इवैक्यूएशन का सवाल हो तो वो भी हम लोग करेंगे। जो भी सिचुएशन है मॉनिटर कर रहे हैं, अभी हो सकता है गवर्नर साहब से भी मैं बात करूं, अभी सीएस साहब को मैंने कहा, अभी जाके हम लोग फिर बैठेंगे, बैठ के हम लोग बात करेंगे। सर, हेल्पलाइन नंबर में अभी तक किसी ने कॉन्टैक्ट किया है क्या? अभी बहुत सारे आ गया है यहाँ पर, बहुत सारा वहाँ, क्योंकि 24 वहाँ हमारा जो ये CRPF का लोग भी उसमें थे, हमारा पुलिस विभाग भी थे, अधिकारी थे, उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट का वहाँ भी लोग थे, ये लोग पूरा मॉनिटर कर रहे हैं, उन लोगों के साथ बात कर रहे हैं। মণিপুরের বর্তমান পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে শুরু করলেও বৃহস্পতিবার রাতে ত্রিপুরার ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারের তরফ থেকে চালু করা হয়েছে হেল্পলাইন নাম্বার, যেকোনো অসুবিধায় 112-1070-0381-24-16045-241-6241 এবং হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার 8787-676210-তে যোগাযোগ করতে পারবেন মণিপুর পাঠরত ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীরা। কোন ধরনের গুজবে কান না দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের তরফ থেকে রাজ্যবাসীকে অনুরোধ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। ব্যুরো রিপোর্ট, আর ই নিউজ।